मैडम डांस जो है भिन्न भिन्न प्रकार के डांस होते हैं मैडम. सबसे पहले देखिए मैडम डिस्को का धमाल. देखिए अब देखिए मैडम शकीला बानो के जलवे. ना मैं कुछ कहना रही हूँ तो तू यू सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट होता जाएगा. अरे मैं मैडम मैं तो बस अपना टैलेंट आपको दिखा रहा था. हेलो सर. ओके अरे सर डोंट वरी सर केस घूम जाएगा. डोंट वरी दफा दफा कर देंगे हम. यस ओके सर. मम्मी जी किसका केस रफा दफा करना है जी. भैया ऐसा है कमिश्नर साहब का फोन था. बालकों कान खोल के सुन लो. उनका एक साला हो रहा है पप्पू पिलपिले जिसका एक बंगलो हो रहा है घना बड़ा सा. उसमें नारियल के झाड़ उग रहे कई सारे. तो एक जो नारियल का झाड़ है ना वो टिल्टिंग हो रहा दूसरे के कंपाउंड में झुक रहा और उस पर गुलगुले के साइज के बड़े बड़े नारियल लटक रहे. तो एक रोज जो है एक नारियल ना धार देने की वजह से दूसरे के कंपाउंड की गाड़ी पे गिर गया. उसकी विंडस्क्रीन टूट गई. तो ये कोई कंप्लेंट जो आ जावे तो डिपार्टमेंट का मामला है. केस रफा दफा कर देना. कंप्लेंट लिखने की जरूरत ना है. यस ओके जी मैडम जी हो जाएगा. एक्सक्यूज मी मेरा नाम है टिंकू. टेंशन फ्री टिंकू मेरा नाम है. टेंशन मेरे पिताजी का नाम है और फ्री मेरी सरनेम है. ना तो यहाँ क्या करने आया है ना हमें टेंशन देने आया है तू. नहीं नहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. आप है ना सिर्फ पप्पू पिलपिले के खिलाफ FIR लिखो वो भी खड़े खड़े. शत्रुघ्न आती है पता है उसने मेरे साथ क्या किया है. अरे के होना है भाई थारे जो है कंपाउंड पे दूसरे का नारियल गिर गया. थारी गाड़ी की विंडस्क्रीन टूट गई. इससे ज्यादा तो ना हुआ है कुछ. अरे वाह बिना बताए मेरी प्रॉब्लम समझ गई वो भी खड़े खड़े. पापे गल्ले कोई नहीं हमारी मम्मी जी तो बिना केस सुने ही केस सॉल्व कर देती है. क्यों जी? अच्छा तो प्लीज प्लीज आप मेरा केस सॉल्व कीजिए और मुझे है ना वो पप्पू पिलपिले के पास से 15,000 रुपए कॉम्पनसेशन दिलवाए. मुझे वो चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए. हाँ भाई तू भाई कॉम्पनसेशन की तो कोई बात ना है वो तो दिलवा देंगे हम. ओके पर भाई ऐसा है नारियल का के है ना आज गिर गया हो सकता है कल भी गिर जावे है ना परसों तरसों कभी भी कुछ हो जावे. इसका तो जो है तू एक परमानेंट इलाज ढूंढ ले बेटा. ओके तू के कर ऐसा है कि तू नारियल के पेड़ पे चढ़ जा और सारे नारियलों को जो है एक जाले से बांध दे तू कि नारियल पक्के गिरे तो जाल में गिरे कंपाउंड में कतई ना. क्यों कंफ्यूजन और फिर तुम उस जाल की वजह से इस जाल से भी मुक्त हो जाओगे. पर एक गल सुन लो कान खोल के तुम्हें ये काम खुद करना पड़ेगा. सही बात है अच्छी बात है लेकिन क्या है कि नारियल के झाड़ पे चढ़ना नहीं आता है ना खड़े खड़े. कर लो गल. पाइप पे चढ़ना आता है. 5 साल पहले चढ़ा था वो मोहनलाल मिठाई वाला ना उसकी बेटी से मिलने के लिए 5th फ्लोर पे चढ़ा था पाइप से. बस फिर प्रॉब्लम क्या है. तुम अपनी बिल्डिंग और आसपास की जितनी बिल्डिंग है उन पर जितने भी पाइप है ना उन पर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो और चढ़ के उतर के प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि पाइप और नारियल का झाड़ तो एक जैसा ही होता है ना. क्लियर है. इतने तो हमने समाधान बता दिए थे. नहीं तू हो गया टेंशन फ्री. बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया मैं खड़े खड़े. लेकिन मैडम मुझे वो 15,000 रुपया कॉम्पेंसेशन चाहिए मतलब चाहिए. हाँ भाई जेब में ठूस रखे हैं 15,000 तो कि भैया कोई आया और गप्पो से हमने जो है निकाल के दे दिए. पहले एक काम जो कहा वो तो कर ले. हाँ थैंक यू वेरी मच मैडम. खड़े खड़े थैंक्स. घनी पढ़ाई लिखाई हो रही है यहाँ ना. इतने दिनों से एक सिंपल सी बात थारे से कहते ना बन रही. क्या बात कैसी बात. आई लव यू. आई एम द किंग. सर सर क्या कर रहे सर. कौन है तू.
मैं डेविड सर। यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो FIR लिखवाने आया था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नहीं वो डेविड, मैं दरअसल देख रहा था तुम्हारे हाथ साफ है कि नहीं। हाथ तो आप साफ कर रहे सर। गॉटमैन, हाँ, enough of yours, हाँ, go अदवाजल गिवो can't for now, out you go, go man, okay man, go go, ये FIR लिखवाने वाले लगता हूँ मैं तुम्हें, हाँ, मैडम, मैडम, hurt you the light, अरे, अरे किधर गई, मैडम किधर, मैडम, 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 ओ, क्या हो गया? नारियल बरसने बंद हो गया, आदमी बरसने थारे पे। सही सही सोचा मैडम आपने, ये आदमी मुझ पर गिर पड़ा। मैडम इसने मुझे लथेड़ लथेड़ के घसीट घसीट के जो मार है खड़े खड़े। हाय क्यों भाई, वो मिनी स्कर्ट ट्राइंग टू बी धर्मवीर। बाप का माल हो रहा है, क्यों पीट दिया तेने इसे? अरे हम अपने बाथरूम में नहा रहे थे खुलेआम, और ये पीछे के पाइप से चढ़ के हमें झांक रहा था खुलेआम, इसीलिए हमने इसको पीट दिया खुलेआम। क्यों भाई, खुले आम बंद अमरूद। यो क्यों देख रहा है तू आदमियों को नहाते हुए, किस प्रकार की टेंडेंसी हो रही थारी? अरे मैडम क्या बात करती हो, अरे मैंने अपने खुद को भी नहाते हुए नहीं देखा कभी, तो इनको मैं क्यों देखूंगा? मम्मी जी इसके ऊपर दूसरे के घर में ताक झांक करने का केस बनेगा। अरे क्या बात करते हो, अरे आपने ही तो मुझे कहा था ना कि पाइप चढ़ो ताकि आपको नारियल के झाड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस मिले खड़े खड़े। कंफ्यूजन नो लेकिन नो बट, केस बनेगा फटाफट। ओके बाय। अबे हाँ जी जी मम्मी जी। हाँ भाई, या तो 7 साल की लगेगी या फिर 50,000 की लगेगी। देखो यार तुम्हें वो 15,000 का कॉम्पेंसेशन चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, मुझे 15,000 कॉम्पेंसेशन चाहिए। अरे अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ मैं साथ में चेकबुक लाया हूँ। एक मिनट, कितना का चेक है? 50,000 रुपया ना, 50,000 रुपया। कौन सी चौकी है? हाँ ईमान चौकी, 50,000 50,000। और ये, हाँ ये लीजिए मैडम, ये 50,000 रुपये का चेक। हाँ लेकिन मैडम मेरे वो 15,000 का कंपनसेशन तो मुझे मिलेगा ना? ऐसा है, कंपनसेशन के लिए जो है प्रूफ चाहिए रहता है। प्रूफ के लिए भाई तू ऐसा कर, विंड स्क्रीन थारी पहली टूटी पड़ी से, तो विंड स्क्रीन ने हटा दे, गाड़ी बिना विंड स्क्रीन के चला, हम थारी गाड़ी चलाते हुए फोटो ले लेंगे और यो प्रूफ कर देंगे कि देखो भाई लो ना, यो आदमी इतनी बेबसी में मजबूरी लाचारी में जो है गाड़ी चला रहा है ना, इसका तो हर जाना बनता है, तो मिल जाएगा फिर कंपनसेशन। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं विदाउट विंडस्क्रीन गाड़ी चलाऊंगा खड़े खड़े, थैंक्स। सोच रहे हैं अगर बाथरूम में यहाँ पानी हो तो यही नाले बाथरूम किस तरफ है? हाय चलिए आइए। तो क्यों आ गया मुंह उठाए, और यो कौन है संग? जी खाकसार को रियाज राहत कहते हैं जोर से। ना खाकसार में कुछ भी कहते हो, तैने क्या कहते हैं? जी हम ही रियाज राहत हैं जोर से। मैं रैप का बजा दूंगी ना, हिंदी में बात कर ले, वरना कोई भाषा बोलने लायक छोड़ूंगी नहीं मैं तन्ने। मोहतरमा माँ, मैडम ये आपको माँ कह रहा है? इधर आइयो। ना खुद तो जो है ना 10 बच्चों का जो है इलेजिटिमेट बाप दिखे, मन ने माँ कह रहा। नहीं मैडम, दरअसल हम इस आदमी के खिलाफ FIR लिखवाने आए थे जोर से। मैडम हम एक शायर हैं जो अपनी शायरी में मस्ती में चले जा रहे थे अपने कार में बैठे, खरामा खरामा। कंफ्यूजन, अब ये खुराना कौन है? खुराना नहीं, खरामा खरामा मतलब आराम से हम अपनी कार में बैठे हुए चले जा रहे थे, तभी ये शख्स आ करके पीछे से मेरी गाड़ी को ठोक दी जोर से। क्यों भाई, डैडी की सड़क हो रही है? क्यों मैडम, आप ही ने तो कहा था ना कि विदाउट स्क्रीन की गाड़ी चलाना, तब क्या हुआ कि स्क्रीन नहीं थी और विंड थी, इसलिए धूल आंखों में चली गई और गाड़ी ठुक गई। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये जो कुछ भी हुआ है मैडम की वजह से हुआ है, क्योंकि मैडम ने तुमसे कहा था। मैडम मुझे आपके लंबे लंबे टांगों की कसम, आपके लोहे जैसे हाथों की कसम, आपके ताले जैसे कड़े चेहरे। मैडम आपको ब्लेम कर रहा है। ऐसा है मिस्टर शायर,
ना तू यहाँ से निकल, इसके खिलाफ एक्शन हम लेंगे, ओके? निकल। जी वजह फरमाया आपने। ले बजा दिया मैंने। लाहौल मिला कुबात। क्या कर दिया? हैं? केस बनेगा? यो। गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। पीछे से गाड़ी ठोकने पर जी 5 साल की लगेगी। सुन भी काके, अगर तू सजा से बचना चाहता है तो 25,000 की लगेगी। भाई भाई मैं कह रही हूँ 25,000 दे दे। यो। अरे 15,000 कंपनसेशन के भी तो तैने लेने लेने की ना। हाँ, एक मिनट, अच्छा हुआ ना चेकबुक साथ में लेके आए मैं। एक मिनट, ये मेरी साइन है यहाँ पे और ये 25,000 रुपये और चौकी का नाम हाँ ईमान चौकी है। हाँ, हो गया मैडम। हाँ, ये लीजिए। लेकिन मैडम मुझे वो कंपनसेशन के 15,000 रुपये तो मुझे मिलने ही चाहिए। भाई बेटा कंपनसेशन की तो जो है गारंटी है वो तो हम देंगे ही हैं, पर थारी समस्या का मैं तने ना एक फुल प्रूफ परमानेंट इलाज बता रही हूँ। ओके। तू जो है ना अपनी ससुरी गाड़ी ने बेच दे और ले ले स्कूटर। ना देख ऐसा है विंडस्क्रीन का चक्कर हो रहा है ना सारा, ना जो स्कूटर होगा जिसपे विंडस्क्रीन ना होगी तो टूटेगा के हैं? यस यस यस। लेकिन मैडम इसकी ये टूटी हुई गाड़ी खरीदेगा कौन? तू और वो भी अपना स्कूटर इसे दे के एक्सचेंज ऑफर। नहीं 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 मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मेरा स्कूटर कोई ऐसा वैसा स्कूटर थोड़ी ना है, उसमें ट्रक का इंजन लगा है, ट्रक का ऐसे कैसे दे दूं? अरे यार तो इसकी कार के बदले अपना स्कूटर दे देना यार। हैं, इंसानियत भी कुछ चीज है यार, एहसान कर दे बेचारे पे। अब ठीक है, अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो इसकी गाड़ी के बदले में मैं अपना स्कूटर दे देता हूँ जिसमें ट्रक का इंजन लगा है, ट्रक का। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही टेंशन फ्री हो गया हूँ खड़े खड़े। अरे वाह, ना रहेगी कार, ना टूटेगा कांच और अब वो नारियल गिरे तो भी की फर्क पड़ता है खड़े खड़े। फसा। और ऊपर से मुझे स्पेशल स्कूटर मिल रहा है वो भी ट्रक के इंजन वाला खड़े खड़े। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो चलो अभी एक्सचेंज कर लेते हैं। थैंक यू तो सास बहु सीरियल और दूसरा यो ना, इन दोनों से जो इतनी घनी बोर होगी ना मैं क्यों आ गया हैं? अरे मैडम आज मैं ना अपनी कार की जगह स्कूटर पार्क करने गया तो नारियल मेरे सर पे आके गिरा, मेरा सर फूट गया मैडम। अब तो मुझे ना डबल हर्जाना चाहिए। अरे ओ भाई साहब आपका स्कूटर कैसा है? अरे कितना पेट्रोल पीता है, ऐसा लगता है कि साथ में पेट्रोल पंप लगा के चलना पड़ेगा खड़े खड़े। अरे तो मैंने तो पहले ही कहा था कि उसमें ट्रक का इंजन लगा है तो पेट्रोल तो पिएगा ही। एक मिनट, ये तुम्हारा सर कैसे फूट गया? तुम तो स्कूटर चला रहे थे ना, तुम्हारे पास हेलमेट तो होगी? नहीं ना, मैंने हेलमेट नहीं पहना था ना खड़े खड़े। लो ना, मतलब दिन दहाड़े हैं इन ब्रॉड डेलाइट बगैर हेलमेट के टू व्हीलर चला लिया, कानून तोड़ लिया तैने। फसा। गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। कम से कम 2 साल की लगेगी या फिर 10,000 की लगेगी? बेटा ऐसा है जेल में जाएगा ना तो फिर वो 15,000 कंपनसेशन के भूल ही जाइयो तू, इससे बेटर हो रहा है 10,000 हमें दे दे, 5,000 का फिर भी फायदा है तेने। नहीं 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 कंपनसेशन तो मुझे चाहिए, मैं 10,000 दे दूंगा। अच्छा हुआ ना मैं चेकबुक साथ में लेकर आया हूँ। क्या नाम से चेक बनाऊ मैं अब? हाँ ईमान चौकी आज की डेट 10,000 रुपये और ये मेरी साइन, ये लीजिए चेक। लेकिन मैडम अब मुझे बताइए कि मेरा क्या होगा? भैया ऐसा है स्कूटर तो तू अफोर्ड ना कर सके, गाड़ी तेने एक्सचेंज में दे दी हैं और नारियल थारे सर पे बरस रहे हैं। बेटा बेटर यही हो रहा है तू अपना स्कूटर जो है ना किसी की साइकिल के संग एक्सचेंज कर ले। अरे किसी के क्यों, नहीं यो गोपी ना इसकी साइकिल ले ले बढ़िया हो रही। मैं नहीं मम्मी जी मैं नहीं। अबे क्यों बे? स्कूटर के बदले मैं अपनी साइकिल नहीं दूंगा जी।
अरे कम ऑन मैन गोपी, बी काइंड यार, मतलब थोड़ा सा एहसान कर दे इस पे, इंसानियत भी कोई चीज होती है गोपी यार, कम ऑन। ओके मेरे दोस्त गुलगुले, मैं तुम्हारे लिए इस पे एहसान कर देता हूँ। ठीक है भी काके, तू अपने स्कूटर के बदले ना मेरी साइकिल ले जा, बाहर बिना ताला के खड़ी है। अब खुश है? हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच, अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। फसा। लेकिन मैडम मेरे वो 15,000 कंपनसेशन के मुझे मिलने चाहिए। भाई तू कल आ जा चौकी में, कंपनसेशन के पैसे जो है ना गिफ्ट रैपिंग में करके हम तेने दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह वाह मैडम, स्कूटर भी लौट आया। काम से जी उब गया है हमारा। ओहो लाडले, चौकी हमने थारे नाम कर दी है, घना खुश हो रहा। खुश हूँ मैडम, इस साइकिल से मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ मैडम, लेकिन एक टेंशन है। What? अब तक मेरे 15,000 कॉम्पनसेशन के नहीं मिले हैं खड़े खड़े। तने कॉम्पनसेशन चाहिए ना? Yes! योले ओ गुलगुले, ये रही भाई तुम्हारी पूंजी। भाई इसमें है 85,000 रुपीज। ना हमने जो है तेने एक नी दो नी तीन नी बल्कि 5 गुना ज्यादा कंपनसेशन दिलाया, और बोल के लेगा बच्चे की जान लेगा तू। 85,000? मैं कहां से आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे पता ही नहीं चला है। लेकिन थैंक यू वेरी मच मैडम, 15,000 कंपनसेशन के अलावा मुझे 70,000 मोर। थैंक यू मैडम, मेरा नाम है टिंकू, टेंशन फ्री। टिंकू मेरा नाम है, टेंशन मेरे पिताजी का नाम है, और फ्री मेरी सरनेम है। ऐसा ही निकल यहाँ से, न वरना तीनों ने अलग करके रहना, यही बिछा दूंगी मैं। ओके थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। वाह मैडम वाह वाह। बाल को भाई मोरल ऑफ द स्टोरीज कि भाई सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, न कमिश्नर साहब का काम भी हो गया, और इस आदमी से जितने पैसे हमने लिए थे ना, न वो इसी को वापस करके इसे खुश करके भेज दिया हमने, न यो भी सेट, कमिश्नर साहब भी सेट और हम भी सेट। स्मार्ट गर्ल, यू आर ग्रेट मम्मी जी। एक्सक्यूज मी, प्लीज सर, आई एम फीलिंग पेन लिटिल मसल्स। नहीं बट स्टिल दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लीज। भाई वाह क्या बात है चंद्रमुखी जी, मैं देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था, सारे सेट हो गए चंद्रमुखी जी, लेकिन 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 एक बात है चंद्रमुखी जी जो मुझे परेशान कर रही है, कि आखिर आप कब होगी किसी से सेट और करेंगी शादी? सर देश की वैसी बढ़ रही है इतनी आबादी, हाँ। और अकॉर्डिंग टू मी शादी इज बर्बादी। नाउ व्हाट टू डू?